गाइस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7-8 रीजंस की जिससे आप प्रेरित होंगे कि आप Asus Zenfone Pro Max की तरफ जाएं और ना कि Redmi Note 5 की तरफ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले रीज़न की बात करूँ तो वो है स्नैपड्रैगन 636 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। आपको इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है जो रेडमी के यूज़ करता है स्नैपड्रैगन, वही प्रोसेसर आपको एसूस में मिलेगा, ना ही मीडियाटेक का मिलेगा। ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा होने वाला है, ना आपको फ़ोन को हैंग करेगा, लैगिंग भी बिल्कुल नहीं करता, हीटिंग का भी कोई इश्यू नहीं है इस प्रोसेसर के। था यही था पहला रीज़न स्नैपड्रैगन का। दूसरे रीज़न की तरफ जाएं तो वो आ जाता है इसकी बैटरी। बैटरी आपको मिल जाती है 5000 mAh की। ये बैटरी आपको 2-3 दिन का स्टैंड बाय देगी। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तब भी वहाँ पर आपकी ये बैटरी सारा दिन निकल जाएगी। तो ये था दूसरा रीज़न कि आपको बैटरी बहुत बड़ी मिल जाती है। तीसरे रीज़न की बात करूँ, आजकल सभी फ़ोन्स में आपको ड्यूल रियर कैमरास मिल जाते हैं, इसमें भी आपको ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। 13+5 MP का आपको ड्यूल रियर कैमरा मिल जाएगा। जो आपको बोके इफेक्ट्स हैं वो आपको हार्डवेयर की तरफ से मिलेंगे, ना कि सॉफ्टवेयर की तरफ से। तो ये फ़ोन ड्यूल रियर कैमरा DSLR टाइप फ़ोटोज़ भी खींच देगा। सेल्फी की बात करें, सेल्फी आपको 8 MP की मिल जाती है। ये मेरे हिसाब से बुक इफेक्ट होगी या ना नहीं होगी, इसका कुछ अभी कन्फर्मेशन नहीं है। जब फ़ोन हाथ में आ गया तब आपको पता लग जाएगा। चार रीज़न हो गए। पांचवी रीज़न की बात करें वो है इसका एंड्रॉयड ओरियो। आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड ओरियो वर्जन मिल जाएगा। एंड्रॉयड 1 का कोई कन्फर्मेशन नहीं है अभी, एंड्रॉयड ओरियो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। तो आपको लेटेस्ट एप्लीकेशंस का अपडेट मिलता रहेगा। और बात करें ट्रिपल स्लॉट की, आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, आपको ऑल ट्रिपल स्लॉट मिलेंगे। मतलब आप एक SD कार्ड और दो अपने सिम कार्ड एक टाइम पर चला सकते हैं। आजकल हर के पास जियो है और एक अपना मेन नंबर जो शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं वो, और एक SD कार्ड भी लगभग होता ही है, आईफोन यूज़र के पास नहीं होता। तो आप इसमें उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। ये था अदर रीज़न। और बात करें अगले रीज़न की तो आपको मिल जाता है इसमें फेस अनलॉक। आईफोन X की तरह आपको ड्यूल रियर कैमरा भी मिल गया, फेस अनलॉक भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो फेस अनलॉक का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। फेस को आपका फ़ोन आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर आपके फ़ोन का सारा कुछ खोल देगा, सारा पोल खोल देगा। और बात करें आखिरी रीज़न की तो आपको मिल जाती है 18:9 की डिस्प्ले, मतलब फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले। ये आपको गेमिंग के लिए और वीडियोज़ देखने के अगर आप बहुत शौकीन हैं तो ये आपको स्क्रीन बहुत ही अच्छी लगेगी। बस यही थे आज इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।